भोजपुरी और मगही भाषा चाहे बोकारो से हटाया गया या धनबाद से हटाया गया, हम लोग बार बार मुख्यमंत्री के आपके आप सबों के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम लोग बतलाने का काम कर रहे हैं कि मगही और भोजपुरी भाषा जो है लोकप्रिय भाषा है और मगही और भोजपुरी बोलने वाले भी सरकार को बनाने का काम किया है। इसलिए हम लोग किसी भाषा का विरोधी नहीं है, मगही और भोजपुरी भाषा को भी शामिल करें मुख्यमंत्री। कहीं ना कहीं राज के मुखिया जी ने कहीं जल्दी जल्दी स्टैंड ले लिया है और भोजपुरी पहले लॉन्च किया फिर उसके बाद हटाया गया, रात रात नोटिफिकेशन आ गया। हम तो पिछले बार भी आप लोगों के माध्यम से बतलाए, आज भी मैं बतला रहा हूँ कि भाषाई विवाद में मुख्यमंत्री को नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इस सरकार को बनाने में सभी भाषा भाषाई के लोग इस सरकार को बनाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम किया है। अगर मान लीजिए नहीं मानते हैं सरकार तो क्या आप भविष्य में उनके साथ रहेंगे या गठबंधन छोड़ेंगे? वो तो हमारे नेता तय करेंगे कि भविष्य में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन अभी हम अपना तैयारी कर रहे हैं। मगर आपके नेता जी जो राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने तो साफ अपने शब्दों में कहा था, क्लियर स्टैंड कर दिया कि भोजपुरी और मगही भाषा को हटने नहीं देंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ शुरू से वो वहीं रहे। हम भी बोल रहे हैं तो आपकी बात कहाँ मानी गई? बात तो नहीं मानी जा रही, नहीं मानी जा रही है, तो समय आने पर हम लोग निर्णय लेंगे। सब बात चल रही है, सारी बात बंद हो गया है, बात चल रही है। रोष है अध्यक्ष जी, लोगों में रोष है, इसलिए तो जल्दी स्टैंड लेना चाहिए ना राजद का। समय का इंतजार करिए, आंदोलन कभी दंगे में भी बदल सकता है। अगर आप राजद या जो भी गठबंधन में है अगर वो सही से स्टैंड नहीं लेती इस पर तो आंदोलन दंगे में भी बदल सकता है। जनता दल दंगा पर विश्वास नहीं करती, हम लोग लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, लोकतंत्र पर भरोसा है हम लोगों का, हम लोग दंगा उंगा पर भरोसा नहीं करते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग चाहे भोजपुरी हो, मगही हो, अंगिका हो, इस भाषा की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सरकार के मंत्री ही तो डेली कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं कि बाकी जिलों से भी हम हटाएंगे। हाँ, ये बात सरकार के मंत्री के द्वारा। डोमिसाइल के मुद्दे पर आप जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी चले गए थे, ये क्लियर कट है और हम लोग का एजेंडा एकदम क्लियर कट है। हमारे नेता ने जो कह दिया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कि कोई भोजपुरी और मैथिली कुछ नहीं हटेगा, जैसे था वैसे, यहाँ अभी रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, यहाँ के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो डाइवर्ट कर रहा है, भटका रहा है इधर से उधर, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं भाई कि हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा नेता भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है, जरा सा भी इधर उधर नहीं है और हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सर धरातल पर वो नहीं आ रहा है ना जैसा आप लोग राजद की तरफ से जो गठबंधन, अभी तो देखिए 4 दिन पहले 5 दिन पहले हम लोग का संगठन ही तैयार हुआ और प्रदेश अध्यक्ष बहाल ही किया गया है और सदस्यता अभियान के माध्यम से जो हम लोग गांव घर जा रहे हैं ये सारी बिंदुओं को रख रहे हैं, सारी बातों को रख रहे हैं, इससे हम लोग अलग नहीं है। और हमारा जो मुद्दा है, जो हम चुनाव का मैनिफेस्टर था हमारा, हम उसके साथ है, हमारी तैयारी उसके साथ है, वो लड़ाई मेरी है कि हमने जो वादा करके सरकार में आए हैं हमको पहले वो चाहिए, उसके बाद ये सब की बातें होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।